Hello everyone, welcome back to our channel College Tutor. I hope you have already watched all the classes of income tax. अगर आपने previous videos नहीं देखी हैं, तो I request you to go through those videos first, ताकि आप इस video को अच्छे से समझ पाएं. So in this video, I'll take up all the tax rates for various SSCs. You can see that there are various tax rates for different SSCs. So for assessment year 21-22, these tax rates are applicable. फॉर इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो अगर आप 60 ईयर्स से नीचे हैं तो आप पर ये सारे टैक्स रेट्स लगेंगे. आपका 2,50,000 तक एग्जेंट है, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 2,50,000 रुपीज़ है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा अगर आप 60 ईयर्स तक के हैं. अगर आपका इनकम 2,50,000 से 5,00,000 के बीच में आता है तो आपको अपनी टोटल इनकम का 5% देना होगा, देन 5 to 10 में 20% एंड अबव 10 लाख में 30%. इसकी कैलकुलेशन एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो आई टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दीज इन ईजी वे. विल डू दीज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो प्लीज फोकस ऑन हाउ यू कैन रिमेंबर दीज, बिकॉज अगर आपको ये याद रहेंगे तभी आप बेटर कैलकुलेशन कर पाए. सो इसलिए इन टैक्स रेट्स को आपको लर्न करना होगा, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और योर बीकॉम एग्जाम. दीज रेट्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर 60 to 80 ईयर्स ऑफ एज. इफ यू कम अंडर दिस एज गैप, यू गॉट एग्जेम्पशन लिमिट अप टू 3 लाख्स. सो अगर आपकी इनकम 3 लाख्स है, 3 लाख तक की है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है. 3 to 5 लाख की है तो 5%, 5 to 10 है तो 20%, अबव 10 है तो 30%. सेम यू कैन सी हेयर विच इज फॉर मोर देन 80 ईयर्स, जो 80 ईयर्स से ज़्यादा के हैं उनके लिए ये टैक्स स्लैब दिया हुआ है. अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे दैट जो ये वाला स्लैब रेट है विच इज़ 5 to 10 एंड अबव 10, 5 to 10 एंड अबव 10, यू वॉच हेयर दैट द टैक्स रेट्स आर सिमिलर फॉर दीज स्लैब्स. तो यानी कि अगर 5 to 10 के बीच में आपका इनकम है और अबव 10 लाख है तो यानी कि 20 or 30% ही लगेगा, चाहे आप कोई भी एज में आ रहे हैं. ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं. आपको मेन चीज़ यहाँ ये लर्न करनी है कि कितनी एग्जेम्पशन दी हुई है. तो फॉर इंडिविजुअल्स विच इज़ बिलो 60 ईयर्स हैव 2.5 लाख एज देयर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. फॉर सीनियर सिटीजन इट इज़ 3 लाख एंड फॉर वेरी और सुपर सीनियर citizens they have 5 lakh given 5 lakh as exemption. We'll do calculation in the next video, don't worry about it. Okay, now from this assessment year there are some amendments that I'm covering in this video, so please have this focus in the video only. Now these slab rates or the concessional rates, I can say these concessional rates are applicable or available for individuals and HUF which can choose to pay their taxes under these new slab rates, which comes under section 115BAC. You can remember it as BAC. अगर कोई एच यू एफ और इंडिविजुअल 115BAC के अंडर टैक्स पे करना चाहता है तो वो टैक्स पे कर सकता है. अब क्या डिफरेंस है कि अगर वो इसमें टैक्स पे करे और उसमें टैक्स पे करे. डिफरेंस आपको यहाँ तो दिख ही गया होगा कि रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कि अगर अप टू 2,50,000 तो ठीक है, नहीं है ऑल्सो बाद के जो 2,50,000 है, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% है, फिर नेक्स्ट वाले को 10 है, फिर 7,50,000 10 लाख तक के 15% है. तो ये स्लैब्स में आप टैक्स पे कर सकते हैं अगर आप अंडर सेक्शन 115BAC के अंडर टैक्स पे कर रहे हैं. अब यहाँ पर ये चीज़ होता है कि जो लोग डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउंसेस इनको नहीं समझ पाते हैं, या जो समझना नहीं चाहते हैं, जिनको इतना ज़्यादा इनकम नहीं है, वो चाहते हैं बस हम सिंपल से टैक्स पे कर दें, हमें इसमें नहीं घुसना है, तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो इस टैक्स रिजन में जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 के बीच अंदर ही आया है उसमें टैक्स पे कर सकते हैं. तो उनको ये ऑप्शन होता है, लेकिन उनको कोई डिडक्शन कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगी. यहाँ पर वो SSC, वो इंडिविजुअल HUF जो कोई बिजनेस इनकम नहीं कमा रहे हैं, अगर वो इस टैक्स में 115BAC के सेक्शन में टैक्स पे करना चाहते हैं तो दीज अलाउंसेस एंड डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल टू देम. नाउ यू जस्ट नीड टू रीड दीज ATDCC, ATCCD, ATD, व्हाट दीज मीन्स, व्हाट दीज डिडक्शंस एक्चुअली आर. वी विल डिस्कस ऑल द डिडक्शंस इन द अपकमिंग वीडियोज, so you just need to read it out. Please don't skip this slide, just read it out once
सो दैट यू नो कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर में डिडक्शन आती है। ये थोड़ा थोड़ा अगर आप बार बार रीड करेंगे तो जब हम एक्चुअल डिडक्शन पढ़ेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे कुछ अलाउंसेस हैं जो कि HRA हम सैलरी में पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की मिलती है, प्रोफेशनल टैक्सेस, सम ऑफ द एग्जाम्पशन डिडक्शंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इवन दैट इज नॉट अवेलेबल इफ यू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन। ऑल्सो दिस इज बी ऑप्शन, दिस इज बी केस वेयर इंडिविजुअल्स हैविंग बिजनेस इनकम। सो द फर्स्ट केस वॉज वेयर दे डज नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम। Now, if the individual or HUF have a business income and they choose to pay their tax in this section, that is under 115 BAC VAT. इसमें अगर वो claim करना चाहते हैं तब भी उनको कोई deduction और allowances नहीं मिलेगा। तो वो जो deduction है कौन कौन से नहीं मिलेंगे, additional depreciation under section 32 नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस यानी कि सेट ऑफ जो करते हैं हम लोग लॉसेस, इसके बारे में भी हम रीड करेंगे पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। और कुछ डिडक्शन जैसे कि 10AA बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन होती है, ये ATIBA, IB बहुत सारी डिडक्शंस जो कि अवेलेबल नहीं होंगी, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको सिंपली टैक्स पे करना पड़ेगा इन दीज रेट्स विच आर ऑन योर स्क्रीन। ऑल्सो If you see in your exam, you get this that if the person is taking this advantage or not. तो वहाँ पर लिखा होगा that BAC नहीं लिया जा रहा है, so you don't get confused कि हमें कैसे पता लगेगा, हमें कौन से स्लैब रेट्स निकालने हैं, कौन से स्लैब रेट से पता लगेगा। तो आप जो सिंपल वाले होते हैं, दैट इज जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाए, आपको वही करने हैं। अगर वहाँ पर ये मेंशन है कि 115 BAC के अंडर वो SSC पे कर रहा है टैक्स, तो आपको ये वाले रेट्स देने होंगे। नाउ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी दीज आर द स्लैब रेट्स गिवन, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट, बट द रेट्स यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज व्हाट इज रुपीज 1000 प्लस, नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज हियर, जस्ट रिमेंबर दैट इफ योर इनकम इज अप टू 10,000 यू नीड टू पे 10% ऑफ योर टोटल इनकम, फॉर 10,000 टू 20% of total income, above 20, 30% of total income. How to calculate these, we'll do it in next video. Don't worry about it. Also, some concessional rates are available for cooperative society as well. जैसे कि individual HUF 115 BAC के अंदर ले रहे थे अपना concessional rates, अगर उनके इस section के अंदर अगर वो tax pay कर रहे थे, तो cooperative society के पास भी एक section available है from this assessment year is BAD. So it is easy to remember 115 BAC for individuals and HUF and 115 BAD for resident cooperative society. So they also have these option to go for lower rate taxation, but also they are also not eligible for any deduction or a set of losses or any depreciation except few. We'll discuss what are these exception, why there are some clause which is not included, why these are available. We'll read it in when we discuss about deductions. So these are the concessional rates that have been given to cooperative society. So the tax rate which comes under this section is 22% for cooperative society. Also cess lagta hai, surcharge lagta hai. Cess kya hota hai, surcharge kya hota hai, aapko next video mein bilkul clear ho jayega. For now just remember that there is cess which is of 4% and surcharge for 10% is applicable for cooperative society. So total karke basically jo total percentage lagta hai wo 25.168 concessional rate hota hai agar un cooperative societies ke liye, un resident cooperative societies ke liye jo ki tax pay kar rahe hain under section 115 BAD. Now there are some tax rates for other SSEs like local authority, for the persons, local authority 30%, also for firm. If there's a partnership firm, they also includes LL. Domestic company, वो domestic company जिनका turn over 400 crore exceed नहीं कर रहा है, यानी कि 400 crore तक का है, तो वो 25% pay करेंगे of total income, otherwise 30%. अदर देन डोमेस्टिक कंपनी बेसिकली फॉरेन कंपनी ही हो गए, तो जो फॉरेन कंपनी है वो 40% टैक्स पे करते हैं, उनका टर्नओवर नहीं देखा जाता, बस वो जो भी उनका टोटल इनकम होता है उसका 40% पे करते हैं। सो आई होप आपको टैक्स रेट समझ आए हों,
हम नेक्स्ट वीडियो में और भी टैक्स रेट्स डिस्कस करेंगे, आपके साथ कैपिटल गेन डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई भी आप कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर।